हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जेएनयू एमएससी एंट्रेंस 2017 केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर को। लास्ट वीडियो में हमने 12 तक के क्वेश्चन को कर लिया था, अब उसके हम आगे देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि ऑल कंपाउंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर डायमैग्नेटिक, मतलब इन सब में आपको देखना है कि कौन से मॉलिक्यूल जो है वो पूरा जो पेयर है उनका सेट का वो डायमैग्नेटिक है। तो आइए पहला देखते हैं, कॉपर का केस है तो कॉपर और SCN है, तो यहाँ कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस वन है। दैट मीन्स कि ये क्या होगा, कॉपर का नॉर्मल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s1 3d10 होता है, राइट। तो वन इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, d10 कम्प्लीटली फिल्ड रहेगा। दैट मीन्स कि ये मॉलिक्यूल ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। उसके बाद NiCO4 देखो, CO क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगा क्या होगा, जीरो होगा। तो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 4s2 3d8 होता है। अब देखो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ है, d8 यहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये दो इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पर सिंगल है प्रेजेंट। अब निकिल के पास जो लिगेंड है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, मतलब कार्बोनिल ग्रुप। तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करा देगा। तो यहाँ एक ऑर्बिटल वैकेंट होगा और यहाँ पर जो है आपके ऑलरेडी जो है एस और पी के इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा DsP2 और ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा पेयर। तो इसका मतलब ये भी मॉलिक्यूल क्या हुआ, डायमैग्नेटिक हो गया। इसके बाद आ जाओ पैलेडियम Cl4, तो निकिल पैलेडियम ठीक है और प्लेटिनम ये एक ही फैमिली के हैं। तो पैलेडियम में जो है ऑक्सीडेशन स्टेट देखो +2 है, ठीक है। उसके बाद वीक फील्ड लिगेंड है, तो हम जानते हैं कि ऊपर से नीचे जाने पे जैसे ही हम 3D से 4D में पहुंचते हैं तो वहां पर चाहे वो मेटल अगर आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है या जीरो में है, अगर वहां पर वीक फील्ड लिगेंड है या स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है वो हमेशा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो ये स्क्वायर प्लेनर बनाएगा, दैट मीन्स कि यहाँ पर भी जैसे इसका कॉन्फ़िगरेशन मान लो होगा तुम्हारा 4s2 3d8, राइट। अब यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन निकल गए, d8 सिस्टम है, तो वहां पे Cl क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करा देगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर कर जाएगा तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन इसमें भी होगा। तो इसका मतलब कि ये जो सेट है ए वाला, ये तीनों जो मॉलिक्यूल है ये डायमैग्नेटिक है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो कि द मेटल आयन एसोसिएटेड विद द मेटैलो एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस सल्फाइड ऑक्सीडेस विटामिन B12। तो आप जानते हो कि जैसे यहाँ पर देखो मेटैलो एंजाइम्स क्या क्या है, पहला है कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या प्रेजेंट होता है, जिंक प्रेजेंट होता है। इसके तीन सेंटर पे इमिडाजोल रेसिड्यू होता है और यहाँ पर OH और H होता है, ठीक है, और यहाँ प्लस चार्ज होता है। तो इसका मतलब जिंक मेटल हो गया। यहाँ जिंक वाले जो है दो ऑप्शन है, तो या तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा या सी होगा। इसके बाद आप देखो सल्फाइड ऑक्सीडेज, इसमें जो है मॉलिब्डेनम एटम प्रेजेंट रहता है, तो इसका मतलब है कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब विटामिन B12 यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहता है, एटम कोबाल्ट प्रेजेंट रहता है, तो कोबाल्ट होगा, तो ये कोबाल्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद पूछा है हीमोसियानिन, हीमोसियानिन में क्या होता है, कॉपर होता है, तो देखो ये कॉपर हो गया, ठीक है। तो ये जो है आपका सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। अब देखो जितने भी ये मेटालो एंजाइम है ना, इन सब का स्ट्रक्चर आप जरूर क्लियर कर लेना। जेएनयू के एग्जाम में मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, मतलब अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होगा तो आप ऑप्शन नहीं लगा सकते हो। जैसे देखो यहाँ पर 5 ऑप्शन दे रहा है, 4 भी नहीं है 5 ऑप्शन है। और अगर मान लो आपको थोड़ा सा भी किसी भी में कन्फ्यूजन हुआ, जैसे मान लो जिंक अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेस में कंफ्यूजन हो गया, तो आप यहाँ जिंक की जगह कोई और कॉम्बिनेशन लगा के चले आओगे। जैसे यहाँ देखो मॉलिब्डेनम कोबाल्ट कॉपर दिया है, ऐसे ही कई और कॉम्बिनेशन दे देगा, ठीक है। तो इस तरीके से कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन देखो 15 का है कि यहाँ पर दिया है 0.41 ग्राम ऑफ आयरन कंटेनिंग मिनरल इज डिजॉल्व इन कंसंट्रेटेड HCl एंड रिड्यूस टू आयरन टू कम्प्लीटली बाई SnCl2। तो देखो मान लो जैसे ये हमारा आयरन का ओर है यहाँ पर, ठीक है, इसको क्या करें हम, इसका 0.41 ग्राम लिया है, इसको डिजॉल्व कर दिया HCl सोलूशन में, ठीक है, HCl सोलूशन में डिजॉल्व कर दिया और उसको फिर SnCl2 डाल करके उसको रिड्यूस किया। दैट मीन्स कि आयरन यहाँ पर +3 से है ये गया +2 में, रिड्यूस किया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन दे करके।
और इसके बाद देखो, इफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड विद इतने नॉर्मेलिटी के, देखो 0.112 नॉर्मेलिटी का Kn₄ सॉल्यूशन है, ठीक है, और इसका कितना वॉल्यूम यूज हुआ है, द टाइट्रेट वैल्यू ऑब्टेंड इज 5.1 ml, 5.1 ml इसका Kn₄ का यूज हुआ है, ठीक है। अब पूछ रहा है द परसेंटेज ऑफ आयरन इन द गिवन मिनरल, मतलब ये जो मिनरल यहाँ दिया गया 0.41 ग्राम, इसमें आयरन का परसेंटेज क्या है, तो कैसे करोगे इसको कैलकुलेट, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे जो हमें दिया है, सिर्फ एक चीज दिया है कि ये नॉर्मेलिटी इतने Kn₄ का सोल्यूशन है और इतना ml है, तो दैट मीन्स कि हमारे पास सिर्फ यही एक आइडिया है जिससे हम इसके आंसर को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो पहले हम क्या करते हैं कि इसका इक्वेशन लिख लेते हैं कि इसमें क्या क्या हो रहा है प्रोसेस। तो देखो Fe2+ है, ठीक है, इसका टाइट्रेशन हम कर रहे हैं, तो ये MnO4 के साथ MnO4- इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, ठीक है। मैं सीधे ये रिएक्शन लिखता हूँ Fe3+ में प्लस, तो इसके बाद जो भी है आपका Mn2+ ये बनेगा, ठीक है, तो ये Mn2+ बनेगा प्लस ये Ir3 है। तो अब देखो यहाँ पर इस रिएक्शन को बैलेंस भी कर सकते हो, तो जैसे यहाँ पर 4H2O ले लो और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 8H+ हो गया, तो ये रिएक्शन फाइनली हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे आयरन का ये 5 मोल होता है, और यहाँ बैलेंस रिएक्शन अगर लिखोगे तो इसका भी 5 मोल होता है Fe3+ का। तो मेनली हमको क्या मिल रहा है कि यहाँ 1 मोल आयरन से, देखो 1 मोल MnO4- 1 मोल Fe2+ को ऑक्सीडाइज कर रहा है Fe3+ में, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि इसका हम नंबर ऑफ मिलीमोल्स कैसे निकालेंगे। देखो N₁ V₁ इज इक्वल टू होता है N₂ V₂, तो जैसे हम मान लो जैसे हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, 0.1 मोलर का स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसका 5 ml यूज हो रहा है, ठीक है, और 0.1 ml का स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH है, मान लो उसका कितना मोल इक्विवेलेंट करेंगे कि वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, 5 ml ही तो लेना पड़ेगा और 0.1 मोलर ही लेना पड़ेगा। दैट मीन्स कि अगर दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, एक एक मोल अगर यूज हो रहा है, तो उसका दोनों का नंबर ऑफ मिलीमोल्स इक्विवेलेंट होगा। तो यही फार्मूला यहाँ पे लगा देता हूँ, तो 0.112 नॉर्मेलिटी का जो KMnO4 का सोल्यूशन है, ठीक है, इनटू इसका वॉल्यूम 5.1 ml, यही इक्वल होगा 0.112 नॉर्मेलिटी का सोल्यूशन 5.1 ml के Fe2 मतलब +2 वाला आयन के लिए, ठीक है। तो बस जस्ट अब ये चीज मिल गया, नंबर ऑफ मिलीमोल्स निकल जाएगा, तो यहां से 5.1 इनटू 0.112 कर दो, तो ये आपका आएगा अराउंड 0.5712, और ये मिली मोल आएगा, तो इसको मिली मोल मतलब 10⁻³ मोल, तो इसको मैं 10⁻³ को नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, ये मोल मिल गया। अब मोल में हमें आयरन का एटॉमिक वेट पता है कि 1 मोल का मास कितना होता है 55.5 ग्राम, राइट, तो 1 मोल का मास है 55 ग्राम, 55.5 ग्राम, तो इतने मोल का मास कितना होगा 55.5, इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये आपका जो है 0.031 आ रहा है, 0.031 ग्राम के आसपास आ रहा है, ठीक है, इसको करेंगे सॉल्व। तो अब देखो यहाँ पूछ रहा है कि द परसेंटेज ऑफ आयरन इन द गिवन मिनरल, तो गिवन मिनरल में आयरन का परसेंटेज कितना होगा, तो यहाँ से देखो आयरन का वेट जो है हमको मिला है इतने, तो ये हमारा हो गया थ्योरेटिकल कि आयरन का अमाउंट इतना मिलना चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटल कितना है 0.41 ग्राम मिल रहा है, तो जस्ट इसको डिवाइड कर दो, 0.031 डिवाइडेड बाई 0.041 ग्राम इंटू 100 कर दो, ठीक है, तो ये अराउंड 7.7 के आसपास आएगा, तो करेक्ट आंसर इसका ई होगा, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, द नंबर ऑफ स्केल्टन इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द बोरेन, तो देखो स्केल्टन इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ निकालना है, इफ Be4H2- दिया है, तो ये आपका हो गया BnHn₂-, दैट मीन्स कि ये क्लोजो हो गया, ठीक है, क्लोजो हो गया। इसके बाद ये क्या होगा, Be4H4 4-, दैट इज नीडो हो गया, ठीक है, और इसके बाद ये देखो Be4H4 6- आर्केनो हो गया, ठीक है, और इसके बाद Be5H11, ठीक है, तो यहाँ हो गया आपका Be5
ठीक है, एच फाइव और ये कितना होगा 6 माइनस, दैट मीन्स ये भी आर्किन होगा। तो अब क्लोजो के लिए जो स्केलेटल प्लेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एन प्लस वन होता है। तो नंबर ऑफ बोरान एटम कितने हैं, 4 है, तो 4 प्लस वन ये होगा 5। इसके लिए नीडो के लिए होता है 4 एन प्लस 2 होता है, तो यहाँ 4 है तो 4 प्लस 2 होगा तो मतलब 6 हो जाएगा। आर्किनो के लिए यहाँ पर एन प्लस 3 होता है तो 4 प्लस 3 होगा, दैट मीन्स 7 आएगा। फिर ऐसे ही एन प्लस 3 यहाँ भी लगाओगे तो 5 प्लस 3 मतलब 8 आएगा, तो 5 6 7 8 यही आएगा, 5 6 7 8 करेक्ट आंसर इसका ए होगा, राइट। तो स्केलेटल प्लेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब भी निकालना है तो वो एन प्लस 1 लगाना है क्लोजो के लिए, उसके बाद 1 का इंक्रीमेंट करते जाओ। अगला क्वेश्चन देखो कि इफ इन द रिएक्शन ए से 2B ले रहा है प्रोडक्ट बंदर, रेट ला फाउंड टू बी ए, ठीक है, प्रिडिक्ट बाई व्हाट फैक्टर द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल। तो ए देखो यहाँ फर्स्ट ऑर्डर में है, जैसे इसके कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो ये क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेगा रेट ऑफ रिएक्शन में, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज ऑल्सो डबल, तो ये सेकेंड ऑर्डर का है। तो यहाँ जब आप इसका डबल करोगे तो ये 4 होगा, 4 × 2 8 टाइम्स हो जाएगा, और ए और ये आएगा बी स्क्वायर, तो ये आपका 8 टाइम्स हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा डी। अच्छा 18 का क्वेश्चन देखो, अब इन केस ऑफ वाटर विद इंक्रीज इन द प्रेशर द केमिकल पोटेंशियल ऑफ द पोटेंशियल ऑफ सॉलिड पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो ये जो है इन केस ऑफ वाटर विद इंक्रीज इन द प्रेशर, ठीक है, तो ये देखो केमिकल पोटेंशियल जो आपका होता है गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू जो होती है dg इज इक्वल टू होता है vdp - sdt, राइट। तो ये होगा, इसके बाद क्या होगा कि हम इसको निकालें तो dg अगर मैं इसको 1 मोल नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, तो ये हमको क्या देगा dg की बाई n हो जाएगा केमिकल पोटेंशियल, तो dμ/dp मैं कर दे रहा हूं एट कांस्टेंट t, तो बराबर मुझे क्या मिलेगा vm मिलेगा, ठीक है, मोलर वॉल्यूम। तो अब देखो यहाँ पर मेरा जो है क्या मिल रहा है कि एक तरफ म्यू वेरी कर रहा है, दूसरी तरफ प्रेशर वेरी कर रहा है, ठीक है, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया है, तो ये y इज इक्वल टू mx टाइप का ग्राफ मिलेगा, राइट, ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए तो वी मैक्स जो है हर किसी के लिए मोलर वॉल्यूम जो है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर होगा यहाँ पर, तो म्यू हो गया आपका y, ठीक है, p हो गया आपका x, और ये v मोलर जो है मोलर वॉल्यूम ये हो गया आपका स्लोप, ठीक है। तो ये एक तरीके से ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है, तो इंक्रीज करेगा कंटिन्यूअसली, तो जैसे ही आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो केमिकल पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आई थिंक करेक्ट होगा। देखो ये जो सॉलिड है ना, सॉलिड का बहुत ही स्मॉल इंक्रीमेंट होता है, तो अनचेंज तो नहीं होगा, चेंज होगा, ठीक है। तो ये जो सी वाला ऑप्शन है ये नहीं होगा अनचेंज, मतलब थोड़ा सा चेंज तो होगा। देखो केमिकल पोटेंशियल सॉलिड में कम चेंज होता है क्योंकि उसका मोलर वॉल्यूम कम होता है, गैस के केस में वॉल्यूम ज्यादा होता है, तो ऑब्वियसली जब ये ज्यादा होगा तो इसकी वैल्यू ज्यादा चेंज होगी, ठीक। अब देखो यहाँ पर इफ ए सिस्टम लूज 250 किलो जूल ऑफ हीट, ये मेरे पास सिस्टम है, ये कितना हीट लूज कर रहा है, क्यू हीट लूज कर रहा है -250 किलो जूल, ठीक है, एट द सेम टाइम इट इज डूइंग 500 किलो जूल ऑफ वर्क, मतलब ये जो सिस्टम है ये काम कर रहा है ऑन द सराउंडिंग, और वर्क डन कितना है बाय द सिस्टम -500 किलो जूल, ठीक है। अब देखो वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है, ठीक है, केमिस्ट्री में अगर आप बात कर रहे हो, और अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो पॉजिटिव होगा, तो ये बाय द सिस्टम है तो नेगेटिव होगा। तो पूछ रहा है व्हाट इज द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो क्यू जो होता है ये होता है डेल्टा यू माइनस डब्लू, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू प्लस डब्लू, ठीक है। तो क्यू यहाँ है -250 और डब्लू है आपका -500, ये आएगा -750, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ई, राइट।
इसके बाद देखो अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज प्लेस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड ऑफ 8 सेंटीमीटर अपार्ट। इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द इलेक्ट्रोड देन हाउ फार Na+ आयन कैन ट्रेवल इन 1 आवर विद इन द सॉल्यूशन। तो मैं थोड़ा सा इसका पिक्चर बना दूंगा तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। देखो ये है डाइल्यूट सॉल्यूशन NaCl का, प्लेस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, जो दो इलेक्ट्रोड है ये दोनों एक दूसरे से 8 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है, इनके बीच में 5 वोल्ट का पोटेंशियल लग रहा है, ठीक है। हाउ फार Na+ आयन कैन ट्रेवल, यहां से Na+ मान लो ट्रेवल करता है तो कितना दूर जाएगा 1 आवर में, तो टाइम दिया है 1 आवर, ठीक है, और आयनिक मोबिलिटी दिया है आपको इतना, ठीक है। तो अब आयनिक मोबिलिटी जो होती है वो होता है आयनिक मोबिलिटी होता है इज इक्वल टू स्पीड डिवाइडेड बाई आपका क्या होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। अब देखो यहां पर क्या है कि आपको स्पीड नहीं निकालना है, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है, तो ये डिस्टेंस निकालना है तो इसको हम डी बाई टी लिख देंगे, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमको डी निकालना है, तो डी का जो फार्मूला आया आयनिक मोबिलिटी, ठीक है, इनटू पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, इनटू टाइम, यही होगा ना, ठीक। तो अब देखो आयनिक मोबिलिटी है आपका 50, तो इसका मैंने 50 रख दिया। पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा, 5 वोल्ट लग रहा है 8 सेंटीमीटर पे, तो 1 सेंटीमीटर पे कितना लगेगा 5/8, ठीक है, 5/8 हो जाएगा, इनटू देखो टाइम है, टाइम कितना है 1 आवर, आवर को सेकंड में कर लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ सेकंड में ही है, तो ये कितना होगा 3600 सेकंड इन सेकंड हो जाएगा। बस ये आपको जो वैल्यू देगा इसको आपको सॉल्व करना है, तो ये आपका वैल्यू जो आएगा 1 लाख समथिंग आएगा, तो ये 1,12,000 के आसपास आ रहा है, ठीक है, 747.5, तो ये जो आपका आएगा ये आपका जो है कूलाम में हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर 1 फैराडे दिया है इतने कूलाम, ठीक है, तो इतने कूलाम को फैराडे में कर दो, तो ये आपका डिवाइड कर दोगे जब 96,485.3, तो इससे जब डिवाइड करोगे तो ये 1.168 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा, तो करेक्ट आंसर इसका बी आ रहा है, ठीक है। बस आपको फार्मूला लगाना है और आपको सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद देखो इफ अ मेजरमेंट कैन प्रोवाइड द पोजीशन ऑफ ए नॉन रिलेटिविस्टिक प्रोटॉन विद एन एक्यूरेसी। अच्छा देखो इस वाले क्वेश्चन में जो है इसको मैं अभी एक बार सॉल्व किया हूँ, तो फार्मूला इस पे फिट बैठ नहीं रहा है, ठीक है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपॉन 4π, ये जो हमारा अनसर्टेनिटी का था, तो यहाँ एक्यूरेसी दिया है, तो एक्यूरेसी और अनसर्टेनिटी का जो रिलेशन है तो अभी मैं उसको देखूंगा, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि एन इलेक्ट्रॉन कोलिजन विद द हाइड्रोजन एटम प्रमोट द हाइड्रोजन एटम टू इट्स सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो सपोज ये हाइड्रोजन एटम है, ये ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है, ये वाला मान लो दूसरा एक हाइड्रोजन एटम है जो इससे कोलाइड करता है और इसको कहाँ भेजता है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में, तो ये यहाँ पहुँच जाएगा। तो पहले ये n इज इक्वल टू 1 में था, अभी ये जो है पहले n इज इक्वल टू 0 में रहा होगा ग्राउंड स्टेट, ठीक है, तो उसके बाद ये कहाँ गया, नहीं n इज इक्वल टू 0 तो नहीं होगा ना, क्यों, तो यहाँ देखो कंफ्यूजिंग चीज यही दिया हुआ है कि n इज इक्वल टू, मतलब ये आपको बताना हाइड्रोजन एटम यूनिट सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो देखो आपको जो पता है एनर्जी बराबर होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z²/N² किसी भी एटम के लिए, तो यहाँ हाइड्रोजन एटम की बात हो रही थी इसके लिए 1 हो गई जेड, एन की वैल्यू हमेशा जो है 0 नहीं, कभी भी 0 नहीं हो सकती है, 0 रखोगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा, तो ये आपका पॉसिबल नहीं है, तो एन इज इक्वल टू 1 जो होता है वो आपका हो गया ग्राउंड स्टेट, तो आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एन इज इक्वल टू 2 होगा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट n इज इक्वल टू 3 होगा, ठीक है, तो ये बोल रहा है हाइड्रोजन एटम यूनिट सेकेंड एक्साइटेड स्टेट फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट द एनर्जी इंसर्टेड बाय द इलेक्ट्रॉन इट्स इन इलास्टिक कोलिजन। तो कितना एनर्जी इंसर्ट करेगा, सो आप देखो कि यहाँ जो है
थ्री में है तो एनर्जी कितना हो जाएगा, देखो माइनस 13.6 जो भी है ठीक है डिवाइडेड बाई 9 करोगे एन स्क्वायर मतलब 3 का 2 जा हो जाएगा तो 9 तो ये आएगा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास ठीक है, जो कि आंसर में आपके मैच नहीं कर रहा है। तो आई थिंक इसका नन ऑफ द एबव होगा आंसर। अब उसके बाद आइजन वैल्यू ऑफ द लीनियर मैट्रिक्स ऑपरेटर ए निकालना है। तो देखो जब भी आपको किसी भी मैट्रिक्स का आपको अगर आइजन वैल्यू निकालना हो तो उस मैट्रिक्स में से मान लो मैंने जैसे एक क्वांटिटी लैम्डा मान ली जो कि आइजन वैल्यू देगा और उसमें हम आइडेंटिकल मैट्रिक्स 1 0 0 1 सेम ऑर्डर का जो है ऐड करना होता है बराबर उसको जीरो करना होता है। तो ये हमारा हो गया जैसे 6 माइनस लैम्डा हो जाएगा क्योंकि ए की जगह अगर मैं रखूंगा तो ये 6 माइनस 1 2 और 3 होगा राइट। तो यहाँ देखो 6 माइनस लैम्डा होगा तो ये 6 माइनस लैम्डा हुआ ठीक है, उसके बाद 2 आएगा सॉरी 0 उसमें ऐड होगा तो 2 आएगा, माइनस 1 माइनस लैम्डा ठीक है ये लैम्डा की वैल्यू 0 होगी ठीक है तो यहाँ पर 0 आएगा, प्लस 3 माइनस लैम्डा तो ये आएगा आपका वैल्यू ठीक है बराबर 0 कर दो। इसको सॉल्व कर लो आप तो ये आएगा आपका 18 ठीक है, 6 3 जा 18 हुआ, माइनस 6 लैम्डा ठीक है माइनस 3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर ठीक है माइनस 2 करोगे तो यहाँ ऑलरेडी माइनस आ रहा है तो वो होगा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसी इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है ठीक है। तो जस्ट आप देखो यहाँ पर 18 और 2 है तो ये आपको सॉल्व करना होगा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो फाइनली ये है आपको मिलेगा लैम्डा माइनस 4 एंड लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू 0 ठीक है, जब इसका आप मतलब फैक्टर कर दोगे उसके बाद ठीक है। तो ये आप इजीली वे में कर सकते हो ठीक है। उसके बाद लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल टू 0 मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 4 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 5 तो ये दो आइजन वैल्यू आपको मिलेंगे तो इसका करेक्ट आंसर ई होगा 4 एंड 5। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैविंग द एक्टिवेशन एनर्जी इतना दिया है एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट दिया है इतना हर कैन बी कैलकुलेटेड। तो टी हाफ आपको पूछ रहा है राइट। तो देखो 0.693 फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ होता है डिवाइडेड बाई के, तो दैट मीन्स कि आपको यहाँ के निकालना है। एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू दी है तो के इज इक्वल टू हो गया ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी ठीक है, ई ए की वैल्यू इतनी दी है और यहाँ पर आपको टेम्परेचर दिया ही है ठीक। तो आप के की वैल्यू यहाँ से सॉल्व कर लो और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मतलब ए की वैल्यू है 1.1 × 10⁻¹ है ठीक है, और ई टू द पावर ये माइनस आपको किलो कैलोरी में है तो इसको जूल में करना पड़ेगा 39.3 × 10³, पहले तो ये कैलोरी में होगा फिर उसके बाद 4.18 जूल कर दो डिवाइडेड बाई 8.314 × 300 टेम्परेचर है तो 573 हो गया। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 1.11 × 10⁻¹ ई टू द पावर माइनस 34.4 के आसपास आएगा, फिर उसको सॉल्व करोगे तो ये आपका जो है आंसर आ रहा है लगभग 1.26 ठीक है × 10⁻⁴ के आसपास ठीक है, जब पूरा सॉल्व कर लोगे। फिर यहाँ इसमें रख दो टी हाफ के लिए ठीक है 0.693 डिवाइडेड बाई 1.26 × 10⁻⁴ रखोगे तो ये आपका अराउंड आ रहा है 5500 सेकेंड के आसपास ठीक है। तो ये इतने के आसपास आ रहा है तो आपका जो है यहाँ पर कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो ये नन ऑफ द एबव होगा। एक बार आप भी चेक कर लेना कि आपका आंसर जो है मैच कर रहा है या नहीं, प्रोसेस तो सेम होगा, प्रोसेस यही होगा ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द फ्री एनर्जी चेंज डिफरेंस बिटवीन द कार्बोनिल कंपाउंड एंड इट्स हाइड्रेट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये वैल्यू इतनी दी हुई है 2.30 आरटी की वैल्यू आपको दिया है किलो कैलोरी में और ये कार्बोनिल से हाइड्रेट जा रहा है और इसका के इक्विलिब्रियम भी दे दिया है। तो अब डेल्टा जी इज इक्वल टू आपको माइनस आर टी एल एन के होता है। तो इसको मैं और थोड़ा एक्सपेंड कर देता हूँ 2.303 आर इंटू टी ठीक है लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम हो गया राइट। अब देखो यहाँ पर हो गया 2.303 आर टी की वैल्यू डायरेक्ट यही उठा के रख दिया माइनस 1.364
और ये है आपका किलो कैलोरी में, राइट। और लॉग की वैल्यू आप ले लो सिंपल, यहाँ 1.4 इंटू 10 to the power -3, ठीक है। इसको जो है आप सॉल्व करिए, तो देखो यहाँ -1.364 आएगा किलो कैलोरी में, राइट। और इसको जब लोगे आप तो ये क्या होगा, लॉग 1.4 प्लस -3 log 10, log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी और ये होगा -3। अब इसके माइनस को अंदर भेजोगे आप, ठीक है, तो 1.364 किलो कैलोरी में है ये, ठीक है, इनटू, अब देखो ये माइनस आएगा तो ये हो जाएगा प्लस और ये होगा माइनस, लॉग ऑफ 1.4, ठीक है। इसके बाद इसको आप जब सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आपको मिल रहा है लगभग 1.36 ये आएगा और ये आएगा लगभग 2.84 या 85 के आसपास आएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3.9 आएगा और ये पॉजिटिव में वैल्यू आएगा। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इसका करंट होगा, ठीक है, प्लस 3.9 किलो कैलोरी पर मोल, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा इसका, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए वीडियो को, अगर आप लोगों को वीडियो मेरे पसंद आ रहे हैं तो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।